हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स वी प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर वन क्लास यस्टरडे कल हमने करा था रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर वन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द एमसीक्यूज अगर आपने पहला चैप्टर नहीं किया है अच्छे से राइट right? आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आज का ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको पहले आप चैप्टर पढ़ें फिर आप एम करें राइट right? सो लेट स्टार्ट द सेन दैट वुड बी ए वेरी शॉर्ट सेशन विद इन एट टू टेन मिनट्स वी आर गोइंट टू कवर द ऑल ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन दट एम गोइन टू टू टूडे बाईस तेईस क्वेश्चन हैं वो आज हम दस मिनट में कर देंगे पिछला सेशन छब्बीस सत्ताईस मिनट का था जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया माई नेम इज रमनदीप सिंह आई एव बेन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क याउट्स एन एम गोइन टू आंसर यर डाउट्स प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सीरीज आई सी जीरो वन कोर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे इन विच वी आर प्रोवाइडिंग विडियो क्लासेज द नोट्स क्विजेज मॉक टेस्ट समरी शीट्स एंड रिविजन नोट विद इन सेवन टू एट डेज यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस एंड शॉर्ट शॉर्ट आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा नो इश्यूज एट ऑल बहुत ही अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं पहला चैप्टर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है इफ़ यू आर हैप्पी विद द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग दैन यू कैन ज्वाइन द कोर्स Let's do the question number one. बहुत सारे क्वेश्चन बुक में से ही उठाए हैं, right? ये वाले और रिस्क राइट पोलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कस्टमर uh, की प्रेफरेंस चेंज हो गई केबल टीवी नेटवर्क के साथ क्या हुआ केबल टीवी अब लोग कम यूज कर रहे हैं ओ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं केबल टी जो है वो कम हो रहा है ओ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो क्या इसकी इंश्योरेंस करी जा सकती है इस नहीं इंश्योरेंस जो है वो आ, आप कर सकते हैं अनसर्टेनिटी की राइट right? आप स्टैटिक रिस्क की इंश्योरेंस कर सकते हैं थेफ्ट की फायर की या किसी की हेल्थ की इंश्योरेंस कर सकते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग रिस्क ही कर सकता है डायनेमिक किसी इकोनॉमी लेवल पे चेंज हो गया तो कितने लोगों को क्लेम देंगे तो डायनेमिक रिस्क का इंश्योरेंस करना भी मुश्किल है सो पॉलिटिकल अपहेवल और गवर्नमेंट सडनली लूजिंग इट्स वोटिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ये एक डायनेमिक रिस्क है राइट हाउ रिस्क आर मेजर्ड रिस्क द लाइकली लॉस दैट मे अकर इफ अ पैरल स्ट्राइक अगर अर्थ uh, को हो जाता है तो कितना uh, लॉस हो सकता है एक बिल्डिंग को दैट्स हाउ वी मेजर द रिस्क दैट्स दाउ प्रीमियम कैलकुलेटेड द थर्ड क्वेश्चन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तभी हमने रिमूव कर दिया द द द टोटल ऑफ एक्चुअल लॉस लॉस एंड कॉन्सिक्वेंशियल इज नोन एज वॉट सबसे पहले कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है एक फैक्ट्री है फैक्ट्री है फैक्ट्री में मशीनरी है राइट right? और मशीनरी की इंश्योरेंस करवाई है राइट right? इन केस ऑफ फायर वो सारी मशीन जल गई एंड इंश्योरेंस कंपनी वो मशीन रिप्लेस कर रहा है लेकिन वो मशीन उठाने का कचरा उठाने का भी चार्जेस है राइट right? उसके बाद कोई थर्ड पार्टी नुकसान हो गया कोई वर्कर की हेल्थ को इश्यूज हो गए तीन चार वर्कर को बर्न आ गए राइट right? तो वो भी पे करना पड़ेगा सो दीज आर कॉन्सिक्वेंशल लॉसेस दीज आर कॉन्सिक्वेंशल लॉसेज आपने कोई टेंडर लिया हुआ था लेकिन अभी आप वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे उससे भी लॉस होगा राइट सो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन द टोटल ऑफ एक्चुअल लॉस एंड द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इज नोन एज मैक्सिमम प्रॉबेबल लॉस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस राइट सो एम पी एल मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस mpl आग लगने से कोई नेचुरल कैलामिटी होने से जो इंश्योर करवाई है कितना लॉस हो सकता है दैट इज mpl मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस सेपरेशन एंड डुप्लीकेशन आर एग्जांपल ऑफ लॉस रिडक्शन टेक्निक्स सेपरेशन एंड डुप्लीकेशन हमने पिछले सेशन uh, में कांसेप्ट जिसमें कांसेप्ट पढ़ा है उसमें डिटेल में करा है व्हाट इज सेपरेशन आपके पास गोडाउन है राइट right? गोडाउन uh, है एक गोडाउन बड़ा गोडाउन होने की जगह पे एक बड़ा गोडाउन होने की जगह पे दो छोटे छोटे गोडाउन आपने रख लिए राइट right? उससे क्या होगा कि इन केस ऑफ फायर पूरा ए बी तो पूरा ही जल जाएगा बड़ा गोडाउन अगर दो छोटे छोटे गोडाउन है तो एक में अगर आग लगती है तो दूसरा बच जाएगा दैट इज़ सेपरेशन डुप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऑफिस में यहाँ पे पढ़ाने के लिए मेरे पास दो माइक है इनकेस एक माइक ख़राब होता है तो उसका है मेरे पास ऑप्शन सो दीज आर लॉस रिडक्शन टेक्निक्स मैक् प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस पी एम एल इज डिटरमाइंड यूजिंग द मैक्सिमम प्रॉबेबल लॉस मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और लॉस होने का चांसेस कितना है लॉस होने का चांसेस कितना है प्रॉबेबिलिटी ऑफ पैरल स्ट्राइकिंग एम पी एल को जब हम मल्टीप्लाई uh, करेंगे प्रॉबेबिलिटी ऑफ पैरल स्ट्राइकिंग से यूल गेट द प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस आपको मिल जाएगा पी एम एल MPL multiplied by probability of peril striking you get a probable maximum loss this question is very important for your exam if the cost of damage is being met using internal resource or funds how is the risk being managed agar apne internal fund recover loss ko manage karne ke liye, right uh right? लेट से आप हर साल अपने बिजनेस में से पाँच लाख रुपए साइड पे रखते हैं फॉर द एज अ फंड हर साल पाँच लाख रुपए साइड पे रखते हैं इन केस ऑफ फायर और अर्थ कोवेक और कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आप इन्हीं फंड्स को यूज करेंगे राइट right? सो so, आप बेसिकली यू आर रिटेनिंग द लॉसेस यू आर रिटेनिंग इट सो आप रिटेन भी कर सकते हो साथ में इंश्योरेंस भी ले सकते हो दोनों चीजें कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है स्प्रेडिंग रिस्क अक्रॉस एरियाज विच मे नॉट बी एफेक्टेड बाय इक्वली एट द टाइम इज़ कॉल्ड वॉट सो एक ही बकेट में एक ही बकेट में सारे अंडे रखने की जगह आप अलग अलग छोटी छोटी बकेट्स में अंडे रख रहे हो तो अगर ये बकेट टूट जाती है गिर जाती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे अगर तीन बकेट्स में रखा है तो एक बकेट गिरती है तो बाकी दो में तो अंडे बचेंगे ना जिसको बोलता हैं डाइवर्सिफिकेशन राइट इसको क्या बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन वन स्टॉक लेट्स एच डी एफ सी बैंक में अगर आपने पैसे डाले होते आज से पांच साल पहले तो अभी के टाइम में आप एफ डी जितना भी पैसा नहीं कमा सकते थे लेकिन अगर आप निफ्टी में पैसा लगाया होता तो ऑब्वियसली आपको बीस बाईस परसेंट का रिटर्न मिलता राइट right? सो so ये पॉसिबिलिटीज है uh, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन आप एक एसेट क्लास में ना जाके एक स्टॉक में ना जाके डाइवर्सिफाई करते हैं एक एसेट क्लास के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है हो सकता है आप निफ्टी प्लस गोल्ड में भी चले गए राइट तो ये इन्वेस्टमेंट लेवल की बातें होगी एक जनरल लेवल पे आप ये समझ लो बकेट वाला एग्जाम्पल समझ लो एक बकेट में पचास अंडे हैं राइट और इसकी जगह पे क्या कर लिया आपने अगर एक बकेट ये गिर जाती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट आपने पांच बकेट रखी हुई हैं जिस पे दस दस अंडे हैं अगर एक बकेट गिरेगी भी तब तो भी आपको सिर्फ दस अंडे टूटेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन स्टेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्क अराइज आउट ऑफ अनसर्टनिटी रिस्क अराइज आउट ऑफ सर्टनिटी नो रिस्क अराइज आउट ऑफ अनसर्टनिटी जो है अनसर्टन होना चाहिए हर इंसान की मौत होनी है राइट right? आज नहीं तो कल दस साल बीस साल तीस साल बाद तो वो अनसर्टन है वो सर्टन नहीं है अगर कोई भी रिस्क सर्टन है तो उसका इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं राइट ओके रिस्क अराइजेज आउट ऑफ अनसर्टनिटी ओनली अगर आपको पता ही है कि दो साल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली कोई मरने वाला है तो वो रिस्क नहीं है उसको पता है रिस्क राइजेज आउट ऑफ अनसर्टनिटी राइट आग लगने की क्या चांसेस हैं किसी घर में ये अनसर्टन है द ग्रेटर इज द अनसर्टनिटी ग्रेटर इज द रिस्क लेसर इज द अनसर्टनिटी लेसर इज द रिस्क बोथ आर करेक्ट जितनी ज्यादा अनसर्टनिटी उतना रिस्क जितनी कम अनसर्टनिटी उतना कम रिस्क अपेरल इज द कॉज ऑफ लॉस हजार्ड इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉस हजार्ड जो है वो पैरल से जो लॉस होने वाला है उसको बढ़ा देता है वो एक्सेलरेट करता है हजार्ड दो तरह के होते हैं फिजिकल फिजिकल हजार्ड होता है एक मोरल हजार्ड होता है फिजिकल हजार्ड मतलब पेट्रोल पंप पे एक जो एम्प्लॉई है वो सिगरेट पी रहा है तो दैट इज अ फिजिकल हजार्ड देख के पता चलता है कि आग लग जाएगी पेट्रोल पंप पे मत पियो दूसरा मोरल हजार्ड पेट्रोल पंप के मालिक ने इंश्योरेंस करवाई हुई है वो एम्प्लॉई को खुद बोलता है सिगरेट पी के लगा दो आग तो इंश्योरेंस क्लेम लेंगे दैट इज मोरल हजार्ड वो फ्रॉड है पेट्रोल पंप वाला द बर्निंग ऑफ हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर रिस्क द अनएम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिस्क दोनों ठीक हैं पर्टिकुलर रिस्क किसी पर्टिकुलर इंसान को इफेक्ट करता है राइट right? किसी पर्टिकुलर इंसान के घर पे आग लगी है राइट फंडामेंटल रिस्क बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है राइट right? पूरी इकोनमी में पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो पूरे इंडिया के लोगों को इफेक्ट करेगा वो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा सो फॉलोइंग इज अ बेसिक प्योर रिस्क एन इंडिविजुअल हैज़ टू फेस सो प्री मेच्योर डेथ ये है एक uh, कह लीजिए प्योर रिस्क है वट यू मीन बाय प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क प्योर रिस्क में देखिए स्टूडेंट्स बेनिफिट होने का चांस नहीं रहता है राइट प्योर एंड स्पेकुलेटिव अगला शायद स्पेकुलेटिव के ऊपर होगा प्योर रिस्क में क्या है कि नो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन लॉस ही होगा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे राइट right? प्योर uh, जो रिस्क लेते हैं उसमें कोई गेन नहीं होता जो स्पेकुलेटिव रिस्क है उसमें गेन होने के भी चांस है लॉस होने के भी चांसेस हैं द टर्म प्योर रिस्क इंडिकेट द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व लॉस और नो लॉस दो चांसेस हैं या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है स्पेकुलेटिव रिस्क इंडिकेट दैट द सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन गेन होने के चांसेस हैं बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट सी इज करेक्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्री मेच्योर डेथ इज अ प्योर रिस्क प्री मेच्योर डेथ इज नॉट अ स्पेकुलेटिव रिस्क इट इज़ अ प्योर रिस्क उससे क्या ही फायदा होगा किसी की डेथ जो है टाइम से पहले हो गई तो अगर कोई तीस पैंतीस बत्तीस साल का बंदे की मृत्यु हो रही है तो वो एक स्पेकुलेशन नहीं है वो तो प्योर रिस्क है स्पेकुलेटिव रिस्क नहीं है विच इज नॉट द मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो रिस्क को आप शेयर कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड रिस्क को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी के घर पे आग लगी दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंश्योरेंस रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस कनेक्टेड विद द इवेंट और स्टेटमेंट बी इंश्योरेंस रिड्यूस द अनसर्टनिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इंश्योरेंस कभी भी अनसर्टनिटी को कम नहीं कर सकता इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कर सकता है दैट सेट फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कर सकता है अनसर्टनिटी कभी भी कम नहीं कर सकता डैश इज नोन एज अ कॉज ऑफ लॉस पैरल इज द कॉज ऑफ लॉस हजार जो है वो पैरल्स को बढ़ा देता है इट कैन बी फिजिकल इट कैन बी मोरल ओके वट इज द को रिलेशन बिट्वीन रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी हायर प्रोबेबिलिटी हायर द प्रोबेबिलिटी हायर द रिस्क हायर प्रोबेबिलिटी मीन्स हायर अनसर्टनिटी जितनी हायर प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा अनसर्टनिटी उतना ज्यादा रिस्क चेंजेज इन प्राइस लेवल कस्टमर टेस्ट फैशन इनकम आउटपुट टेक्नोलॉजी एंड पोलिटिकल डिस्टर्बेंस वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक रिस्क अगर कस्टमर की प्रेफ्रेंस चेंज होगी याकॉनमी में चेंज हो गया तो वो एक डायनेमिक रिस्क है इसको इंश्योर भी नहीं कर सकते राइट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो उसका इंश्योर नहीं कर सकते उसको अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क रिडक्शन

Ajay is a chemical trader and applies for fire insurance policy he has 5 lakhs of goods stored in his godown so ajay has installed firefighting inst equipments in his godown the insurance company conducted a pre inspection survey and risk mitigation factor is 20% risk mitigation factor is 20% premium is 5000 <clears> the insurance company issued the policy and calculated the PML पी एम एल इन केस ऑफ टोटल लॉस ट्वेंटी परसेंट लेस करके पांच लाख में से ट्वेंटी परसेंट लेस करेंगे फोर लाख रुपीज इज दी एम एल इन इन दिस केस राइट इलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल हजार वे ऑफ डैश द रिस्क इज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रिस्क इलिमिनेट कर रहे हो पॉसिबल हजार्ड को यू आर अवॉयडिंग द रिस्क विच आर द फॉलोविंग कम्स अंडर रिस्क ट्रांसफर टेक्नीक विच आर द फॉलोविंग कम्स अंडर रिस्क ट्रांसफर टेक्नीक बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ यू आर यूजिंग अ डेरेवेटिव आउटसोर्सिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इफ़ यू आर यूजिंग बिजनेस इफ यर यूजिंग इंडेमिनिटी अग्रीमेंट थर्ड पार्टी आपके लॉसेज भर रही है ऑल दीज आर रिस्क ट्रांसफर टेक्निक्स आप किसी दूसरा आपका जो है रिस्क वो वो कवर कर रहा है इंश्योरेंस प्राइमरली टेक्स केयर ऑफ वॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड अनसर्टनिटी को कवर करता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कवर करता है राइट right? So students, I hope you like the today's session. If there is any doubt, ask your doubts. I am here to answer my doubts. Let me provide my numbers to you. So students, this is my WhatsApp number. Here you can ask your doubts. Principles of Insurance IC01 course is available on bank exams today. Link is available in the description for the course. We are providing complete video classes, the notes, MCQs, mock tests, summary sheets and revision notes. Complete coverage of the syllabus is available on bank exams today. So, students, if there is any doubt in your mind, you can always ask your doubts, and I'm here to answer your doubts. That's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.